हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल बीपीसी सेंटर में। आज का क्वेश्चन लेकर आए हम हिंदी से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन कर पढ़ते बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दोहा कोश किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है शराबाद की, दूसरा ऑप्शन है रस खान, तीसरा ऑप्शन है जीवानंद दास, चौथा ऑप्शन है गुरु नानक की। तो दोहा कोश शराबाद की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं दो नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दो नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बेतमा कहाँ है? पहला ऑप्शन है इंदौर के पास, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद के पास, तीसरा ऑप्शन है पुणे के पास, चौथा ऑप्शन है पटना के पास। तो बेतमा इंदौर के पास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये हम अपने तीन नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो तीन नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, सुलोचना क्या थी? पहला ऑप्शन है अभिनेत्री, दूसरा ऑप्शन है मंत्री, तीसरा ऑप्शन है गायिका, चौथा ऑप्शन है नर्तकी। तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम अपना चार नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चार नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, दधीची की हड्डी से क्या बना था? पहला ऑप्शन है तलवार, दूसरा ऑप्शन है त्रिशूल, तीसरा ऑप्शन है इंद्र का वज्र, चौथा ऑप्शन है कुछ भी नहीं। दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ई का उच्चारण स्थान है, पहला ऑप्शन है मुंह, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन है दांत, चौथा ऑप्शन है कंठ। तो ई का उच्चारण स्थान तालु, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करने। धन्यवाद।